5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेन टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12, तो इसमें टेन टर्म हमें फाइंड करनी डायरेक्टली, T10 डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। इसमें हमें कोई भी तीन चीजें मालूम है क्या, वो देखनी है हमें, क्या चाहिए, ए चाहिए, ए इज 2 हो जाएगा, डी चाहिए, डी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, और क्या हमें 10, एन क्या है 10, तो इसमें फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यूज तो हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, करोगे तुम लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी इस तरीके से ही है, सॉल्व विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। इसका मतलब हमें क्या करना है, -81 इस एपी के अंदर कौन से टर्म है वो हमें फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, हम फॉर्मूला में पुट करोगे और एन की वैल्यू फाइंड करोगे, एन की वैल्यू फाइंड कर लोगे बस आ जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन भी इसी का ऐसा ही है, थर्ड टर्म इज 301 इन एनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17, 23। मैंने क्या कहा था, फिर से वही क्या करोगे, 301 इस एपी के अंदर कौन सा टर्म है, या फिर कोई टर्म है कि नहीं है, यह हमें फाइंड करना है कि 301 इज एनी टर्म इन दिस सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस के अंदर 301 कोई टर्म है या नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे, एन फाइंड करोगे तुम लोग, अगर एन इज ए नेचुरल नंबर, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन इट विल बी ए टर्म इन दिस एपी अदरवाइज नॉट। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना उसको मैं करवा दूंगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, इफ 6 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एन एपी आर 1941 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द 14th टर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 6 एंड 17 टर्म ऑफ एन एपी आर 19, मतलब ए 6 इज इक्वल टू कितना है 19 और ए 17 इज इक्वल टू कितना है 41, हमें फाइंड करना है ए 40। पहले क्वेश्चन हम कर चुके एग्जांपल्स में, कैसे देखो हमारे पास फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ए और डी हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों से, तो ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए 6 इज 19 इज इक्वल टू ए प्लस 5 डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ए 17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ए 17 इज 41, ए प्लस 16 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड या फिर सेकेंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब हमने 9 क्लास से पढ़ा था क्या कि इस दो इक्वेशन से हमारे पास लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं ए डी और ए डी, तो उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था हमने 9 क्लास में, वही एलिमिनेशन मेथड हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें इसमें सब्ट्रैक्टिंग, इसमें देखो ए और ए दोनों सेम है बस साइन डिफरेंट है, हम क्या करेंगे इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर साइन डिफरेंट होते तब हम क्या करते ऐड कर देते, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 41, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू 19, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 16 माइनस 5 11 डी इज इक्वल टू 41 माइनस 19 क्या हो जाएगा 11 माइनस 9 2, और यहां पे 3 माइनस 1 2 22, तो D इज इक्वल टू 22 अपॉन 11, 11 से ये कितनी बार कैंसिल 2 टाइम, तो D कितना आ गया 2 आ गया।
अब ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, putting the value of d in equation first. First equation is a plus 5d is equal to 19. A plus 5 multiplied by d is 2 is equal to 19. A is equal to a plus 10 is equal to 19. So a is equal to 19 minus 10. A is equal to 9. तो हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू अब हम क्या फाइंड करेंगे, 40. ए 40 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. तो ए कितना है 9 प्लस एन कितना है 40 माइनस वन इन टू डी कितना है हमारे पास 2. तो 9 प्लस 39 इन टू 2 9 plus 9 2 is 18, 1 3 2 is 6 plus 1 78, 78 plus 9 87. तो ए 40 कितना आ गया 87. फोर, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपीआर 4 माइनस क्या कह रहा है, थर्ड टर्म ए 3 इज इक्वल टू 4, ए 9 इज इक्वल टू माइनस 8. तो हमें क्या करना है, ए 0 हमें फाइंड करना है कि ए 0 कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ ए 0, विच टर्म इज 0. ओके, सो पहले तो हमें क्या चीज यूज कीजिए, वही चीज ए और डी फाइंड करना सबसे पहले तो हमें, क्योंकि अगर हमें 0 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 0 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो हमें एन फाइंड करना है यहां पे, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी. तो वो टर्म हमें फाइंड करने से हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो ए और डी फाइंड करना पड़ेगा हमें. तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस एन 3 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 4, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए 9 इज माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस एन 9 माइनस 1 इंटू डी. तो माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी इक्वेशन नंबर सेकंड. फिर से वही करेंगे, हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम सेकंड, क्योंकि यहां पे ए और ए क्या दोनों के साइन सेम है. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम सेकंड. तो ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू माइनस 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. क्या करोगे साइन चेंज करने के लिए, नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए. क्या रह गया, 8d माइनस 2d इज इक्वल टू 6d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 12. तो d इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2. तो d तो क्या आ गया, माइनस 2. d इज इक्वल टू माइनस 2. अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए. इसके अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, विच इज इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. a प्लस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि d क्या है, माइनस 2 इज इक्वल टू 4. a प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 4. a प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8.
ए क्या आ गया ए और डी क्या है माइनस टू। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमें ए एन क्या आएगा हमारे पास जीरो, क्योंकि हमें यह फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब टर्म क्या हो गई जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए ए प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी माइनस टू माइनस टू। जीरो इज इक्वल टू एट प्लस, इसको से करोगे तो माइनस एन माइनस माइनस प्लस टू टू एन माइनस टू एन। तो जीरो इज इक्वल टू एट प्लस टू टेन, ओके एट प्लस टू टेन, और ये प्लस माइनस माइनस टू एन। अब टेन इधर आके माइनस, सो माइनस टू एन इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू टेन अपॉन टू, ये कैंसिल फाइव, तो n इज इक्वल टू फाइव, n इज इक्वल टू फाइव। तो ये जीरो कौन से टर्म हो जाएगी सीपी के अंदर, फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, सो फिफ्थ टर्म इन दिस एपी इज जीरो। यस फिफ्थ क्वेश्चन, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16 एंड सेवन टर्म इज 12 मोर देन 5 फिफ्थ टर्म देन फाइंड एपी। अब फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16, मतलब ए 3 इज 16 एंड सेवन टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म मतलब ए 7 इज ए 7 इज 12 मोर देन, ए 7 इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म देन फाइंड द एपी, देन फाइंड एपी, हमें एपी फाइंड कर दी है। एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए और डी, बस ये दो चीजें चाहिए। हम क्या कर सकते हैं फाइव, हमें एपी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ए थ्री हमें मालूम है क्या, ए थ्री तो आ गया हमारे पास 16 गिवन है हमें, इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है इस इन दोनों से हमें एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है। हमें पहले तो क्या कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सेवन मतलब सेवन टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब ये जो ए सेवन है ये तो क्या है 12 मोर देन ए फाइव, मतलब ये तो ज्यादा है पहले से। हम इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे बस, ये तो कह रहा है ना क्वेश्चन, ए सेवन इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, ए सेवन इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। तो ये ए सेवन जो है अभी हम कुछ नहीं है, बस अभी यहां पे ए सेवन इज 12 मतलब ये पहले से ज्यादा है किससे, अभी क्या है ए सेवन इज ग्रेटर देन ए फाइव, ए सेवन इज ग्रेटर देन ए फाइव। अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब ये ज्यादा है तो इसको अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, तभी तो इक्वल हो पाएगा बस। अब हमें क्या करनी है, एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा सेवन सेवन, और यहां पे ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 12। ठीक है, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a a प्लस 4d प्लस 12। ओके, तो a से तो ये कैंसिल हो गया कि a प्लस और a इधर भी प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया 6d, ये 4d इधर आ जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो d क्या आ गया 6, d क्या आ गया 6 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है a3 इज इक्वल टू, इसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए थ्री इज 16,
इज इक्वल टू ए, ए कितना, ए हमें फाइंड करना है, ए प्लस टू इंटू डी इज सिक्स, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 12, ओके 16 माइनस 12 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 4, ए क्या आ गया 4, हमारा अब देखो हमारे पास डी भी मालूम चल गया और ए भी मालूम चल गया, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या फाइंड करना था, हमें एपी फाइंड करनी थी, हमें क्या फाइंड करना था, एपी, सो एपी, एपी के अंदर में क्या चाहिए, A1, A1 फर्स्ट टर्म इज ये 4, तो A2 क्या जाएगा, A प्लस डी, A प्लस सॉरी 4 प्लस डी कितना था 6 इज इक्वल टू 10, उसके बाद A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A2 कितना है 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, फिर A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, A3 इज 16 प्लस डी 6 इज इक्वल टू 22, तो AP क्या है, सो AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 10 16 22 सो ऑन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज दैट हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले क्या था वही क्वेश्चन है, बस उसमें टू डिजिट था, इसमें क्या हो जाएगा थ्री डिजिट, तो डिविजिबल बाय 7 कह रहा है, सो थ्री डिजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे थ्री डिजिट नंबर्स, कहां से स्टार्ट होंगे 100 से, 100 101 102 अब तो लास्ट नंबर क्या हुआ थ्री डिजिट का 999। अब इस इन नंबर्स में से हम ये देखना है पहले तो कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, तो 7 से डिविजिबल क्या 100 होगा, नहीं होगा 7 से डिविजिबल 100 नहीं होगा, फिर ये क्या 101 होगा, ये भी नहीं होगा, क्या 102 होगा, यस ये होगा, करके देख लो 102 7 से अगर हम करते हैं तो 7 1 7 3 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या 103 होगा, क्या 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 होगा, क्या करके देखते हैं 105 7 बन जा 7 10 माइनस 7 3 5 7 5 ना 5 तो 35 ये मतलब 7 5 का 35 आ गया, तो ये डिविजिबल 7 से हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट 7 से डिविजिबल है, क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा 105, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105, फिर तो मतलब A1 क्या आ गया 105, तो नेक्स्ट टर्म कैसे जाएगी 105 प्लस 7 इज इक्वल टू 112, नेक्स्ट 119, तो AP क्या बन गई 105 112 और 119 112, अब लास्ट टर्म अभी और फाइंड करनी है, क्या 999 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, फिर क्या 998 होगा, करके देख लो 7 1 7 2 9 7 4 28 18 नहीं होगा, ओके क्या 997 होगा, वो भी करके देख लो 997 7 1 7 2 9 7 4, ये भी नहीं होगा, फिर 996 7 से करते हैं तो 7 1 7 2 9 7 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगर हम देखो यहां पे देखो हम पहले जो नंबर था इसमें डिवाइड करने के बाद में पता कर सकते हैं क्या कौन सा नंबर 7 से डिवाइड, कैसे देखो हम इसमें 999 के अंदर क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 7 1 7 2 9 7 4 28 19
सेवन बन जा, सेवन टू जा फोर्टीन, नाइन फोर जा फाइव। देखो यहां पे क्या बच रहा है, फाइव, मतलब इस फाइव को अगर नाइन 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 से माइनस कर दें क्या आएगा, नाइन नाइन फोर, तो यही नंबर क्या होगा, सेवन से डिविजिबल होगा, करके देख लो। सेवन वन जा सेवन टू नाइन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, वन फोर, सेवन टू जा फोर्टी, वन फोर्टी। इसका मतलब क्या होगा, नाइन नाइन फोर क्या होगा, हाईएस्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट थ्री डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय सेवन। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना है बस। तो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है क्या, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमें फाइंड करनी है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 105, डी इज इक्वल टू 112 माइनस 105, क्या आ जाएगा 7, और ए एन हमें कितना दिया है 994, हमें एन चाहिए फाइंड करना। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए एन इज 994 is equal to A, कितना है 105 plus N, N हमें find करना है, N minus 1 into D, कितना है 7, तो 994 is equal to 105 plus 7N minus 7, तो 994 is equal to क्या है, 105 minus 7 कितना आ जाएगा 190 8 प्लस 7n, 7n इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 994 माइनस, ये 90 करा के माइनस का हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 7n, तो 14 माइनस 8 6, यहां पे क्या रह गया, यहां पे रह गया 8, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 क्या आ जाएगा 9, और यहां पे क्या रह गया 8, 896 is equal to 7n, तो n is equal to 896 upon 7, n is equal to 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, क्या आ जाएगा 19, 7 2 जा 14, क्या रह गया 5, 7 8 जा 56, तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज आर 128, ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, क्वेश्चन 7, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट हमें क्या करना है, 11th टर्म हमें फाइंड करना है। एपी क्या गिवन है हमें, 10, 7, 4 अप टू माइनस 62। ओके, तो अब देखो हमें लास्ट, फ्रॉम लास्ट फाइंड करना है, तो हमें लास्ट वाला फॉर्मूला देगा, तो ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, यही फॉर्मूला होगा लास्ट से, एल क्या हो जाएगा माइनस 62, एल इज इक्वल टू माइनस 62, डी क्या क्या आएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें एन फाइंड, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, फाइंड द 11th टर्म हमें फाइंड करनी है, 11th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो एन क्या हो जाएगा 11, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, ए एन, ए एन इज हमें फाइंड कर, ए 11, ए ए क्या, यहाँ पे क्या आएगा एल, सॉरी यहाँ पे कॉल आएगा एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, एल इज माइनस 62 माइनस एन, एन का मतलब 11 माइनस 1 इन टू डी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30, तो माइनस 62 प्लस 30, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 3
थ्री माइनस 32, तो ए 11 इज इक्वल टू माइनस 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी 1 4 7 10 88। एपी इज 1 4 7 10 अप टू 88, हमें क्या करना है 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। सो हमें ए क्या कितना है, हमें क्या चाहिए इसमें लास्ट से चाहिए, तो एल इज इक्वल टू 88 और एन 12, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या चाहिए, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना, एल इज 88 माइनस एन एंड 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो 88 माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो 88 माइनस 33 क्या आ जाएगा 55। सो ए 12 कितना आ गया 55, ए 12 इज 55। सो 12th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 55, ये हमारा 5.29 क्वेश्चन। देर आर 60 टर्म्स इन एन एपी, देर आर टोटल 60 टर्म्स इन एपी। इफ यू फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 9, इफ फर्स्ट टर्म मतलब ए इज इक्वल टू कितना है 7 और लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब ए एन इज इक्वल टू, या फिर एन लिख लो, एन इज इक्वल टू 125। हमें फाइंड करना है क्या, और n कितना है 60, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 60, हमें फाइंड करना है 32 टर्म, हमें फाइंड करना है a 32, हमें फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हमें इन तीन चीजों का यूज करें तो हमें देखो क्या क्या, इन तीनों को देखो, a इज इक्वल टू 7, लास्ट का मतलब 120, मतलब an, an कितना हो जाएगा 125 और n इज इक्वल टू 60, तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो a 60 इज इक्वल टू a प्लस, या फिर an पहले फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब a 60, a क्या है 7 प्लस n, 60 माइनस 1 इंटू डी, ए 60, ए 60 कितना गिवन है 125 इज इक्वल टू 7 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू डी, 7 को जला करके माइनस करो 125 माइनस 7 इज इक्वल टू 59 डी, 125 माइनस 7 क्या हो जाएगा 118 इज इक्वल टू 59 डी, तो डी इज इक्वल टू 118 अपॉन 59, तो डी इज इक्वल टू कितनी बार कैंसिल होगा 2 टाइम, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमें देखो इसी एपी के अंदर 32 टर्म हमें फाइंड करनी है, 32 है, सो ए 32 इज इक्वल टू ए प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, ए इज 7 प्लस 31 इंटू डी, डी कितना है 2, तो 7 प्लस 62, तो 62 प्लस 7 कितना आ गया 69, तो सो 32th टर्म इन एपी इज 69। यस, क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर नंबर्स आर इन एपी। इफ सम ऑफ द नंबर इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वन
देन फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट फोर नंबर्स, सो लेट फोर नंबर्स आर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब हमने वो क्यों लेट नहीं किए, वो जो मैंने बताया था अभी, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस ये ए माइनस ए प्लस 3d और a माइनस 3d, ये हमने क्यों लेट नहीं किए, क्योंकि इनके अंदर इसके अंदर देखो ध्यान से देखो, हमें सिर्फ क्या कह रखा है, सम ही कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं कह रहा है इसके अंदर हमें, तो हम क्या लेट करेंगे, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मैंने बताया था कि a प्लस 2d थर्ड टर्म कैसे होगा, थर्ड टर्म कैसे हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ऐसे फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, हमने नंबर तो लेट करेंगे फोर नंबर, अब क्या कह रहे हैं, इज द सम ऑफ द नंबर 50, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फोर नंबर्स इज कितना है 50, इसका मतलब सम करो इसका, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d इज इक्वल टू 50, ए 4a प्लस 1 2 3 4 5 6, 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 50। हमने a को ऐड, a को ऐड कर लिया, a तो 4a हो गया, d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d 6d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे पास। तो आगे क्या करें देखो, एंड लार्जेस्ट नंबर, इन चारों के अंदर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, a प्लस 3d होगा, लार्जेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर ए प्लस 3d इज फोर टाइम्स द स्मॉलर वन, मतलब वो स्मॉलर कौन सा है, a मतलब ये a प्लस 3d जो है फोर टाइम्स है, पहले से क्या है, फोर टाइम है, अगर इसका मतलब ये इससे बड़ा है, a प्लस 3d क्या है फोर टाइम है a का, तो इसका मतलब इससे बड़ा हुआ ना, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल करने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a, 4a इधर आ करके a माइनस 4a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने 3 को कॉमन लिया, तो माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इन दोनों इक्वेशन से कौन कौन सी, ये और ये, इससे हम क्या करेंगे a और d फाइंड करेंगे, तो यहां पे क्या है 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 50, यहां पे क्या है माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 4a माइनस का a है, अगर इसको इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 4a प्लस का 4a माइनस का हो जाएगा, एंड रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 4, तो 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4a माइनस प्लस 4d इज इक्वल टू 0, ये 4a प्लस का 4a माइनस दोनों कैंसिल, अब यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस इन दोनों इक्वेशन में क्या है सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे 4a और यहां पे 4a पहले से ही माइनस का है, तो क्या है दोनों को एड कर देंगे, अब तो यहां पे 6 प्लस 4 10d इज इक्वल टू 50, तो d इज इक्वल टू 50 अपॉन 10, डी इज इक्वल टू 5, डी क्या आ गया 5, अभी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, सिंपल इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ए आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकेंड, तो माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यहां पे डी की वैल्यू माइनस ए प्लस डी इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू जीरो, फाइव लेके जाओ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू ए आ गया, डी आ गया, अब जो हमने लेट किया तो उसमें पुट कर दो, हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, सो नंबर्स फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा, ए क्या है फाइव, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए इज फाइव प्लस डी कितना था फाइव इज इक्वल टू टेन, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, तो ए प्लस फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन, फिर फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री इंटू फाइव, तो फाइव प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो हमारे पास नंबर टर्म्स क्या आ जाएगी, 5, 10, 15, 20, ओके इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो इस तरीके से हमारी 5 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसको सॉल्व करो और अच्छे से समझो क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन 100% आता है 5.2 में से और एक क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड के एग्जाम में 5.3 में से, सो दिस 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 4 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं 2-2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 और 3 मार्क्स का, ठीक है कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे तरह समझ कि क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ये हमें पता होना चाहिए, ओके okay?